फ्रेंड्स, झटपट बैटर में आपका स्वागत है। इस मकर संक्रांति पे मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी बनाकर कुछ काम करने वालों या जरूरतमंदों को दी जाए। इसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 बड़ी कड़छी रिफाइंड। उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, जैसे 2 तेजपत्ता, 2 से 3 बड़ी इलायची, 8-10 लौंग, साबुत काली मिर्च 1 चम्मच। इन सबको थोड़ा सा चलाते हुए मैंने साथ ही 4 से 5 बड़े चम्मच जीरा भी भूनने के लिए डाल लिया। जीरे और मसाले के हल्के से भूनते ही यहाँ मैंने 1 से 2 घंटे भिगोकर रखी हुई दाल भी डाल दी। यहाँ मैंने 2 तरह की दाल ली है। आपको सिंगल दाल की बनानी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ हरी मूंग छिलका दाल और चना दाल दोनों को अलग अलग 1 से 2 घंटे गर्म पानी में भिगोकर रखी थी। इन दोनों की क्वांटिटी बताऊं तो ये दोनों दालें मैंने आधा आधा किलो ली है। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने अब इसमें 4 चम्मच नमक को दालों के साथ मिक्स कर लिया। अब अपनी पसंद के मसाले ऐड करते हुए, जैसे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर दालों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। दालों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक चला लिया ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। अब इसमें मैंने 10 से 15 मिनट भिगोए हुए चावल भी डाल लिए। यहाँ मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, यानी कि 3 गिलास चावल। इन सबको एक साथ मिक्स करते हुए पानी भी डाल लिया। मैंने 3 गिलास चावल के हिसाब से दुगना पानी लिया है, यानी कि 6 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से जितने चावल हो उसी हिसाब से पानी का यूज कीजिएगा। पानी डालने के बाद एक बार फिर से चलाते हुए ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला और साथ ही 1 चम्मच काली मिर्च डालकर आखिर में सबको मिक्स करते हुए कुकर को बंद करते हैं। दो से तीन सीटी लगवानी है। पूरी भाप स्टीम कुकर से निकलने के बाद जब खोला तो ये देखिए खिचड़ी तैयार। अब हमने सारे डब्बे एक साथ लगाकर उसमें खिचड़ी को एक एक करके भरते हुए पैक करते चले गए। अब इसको देने के लिए जल्दी से डिब्बों में पैक करते ही हम चल पड़े इनको देने।
और सच मानिएगा, ये देने में इतना अच्छा लगा कि एक अलग ही सुकून मिल रहा था ये देने में। और चलते चलते आपको अच्छा लगा हो मेरा ये छोटा सा प्रयास, और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। हैप्पी मकर संक्रांति।